यूट्यूब फैमिली, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हुए हैं। आज हम आप लोग के लिए लाए हुए हैं बजाज की पल्सर P150। ये रहा इसका की, तो चलिए आज हम इसी का रिव्यू देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम आगे की बात करने वाले हैं फ्रंट की। तो ये रहा, विंडशील्ड मिल जा रही है बजाज की P150 में, फ्लेक्सीबल इंडिकेटर मिल जा रही है, नंबर प्लेट की स्टैंड मिल जा रही है, और ये DRL लाइट मिल जा रही है फ्रंट में, और ये फॉग लाइट हेडलाइट में मिल जा रही है। तो चलिए पासिंग लाइट मार के दिखा देते हैं इसकी लाइट कितनी है, ये देख सकते हैं। डुअल सीट में मडगार्ड मिल जा रही है फ्रंट में, ABS लिखी हुई। ये डबल रेडियम मिल जा रही है, साथ में सिंगल चैनल ABS मिल जा रही है। ये रही बात करी इसकी टायर की, तो 8017 की टायर ये मिल जा रही है आपको फ्रंट में। अब आते हैं इसकी टैंक की, तो पल्सर की ये लिखी हुई मिल जा रही है फुल्ली सिल्वर में। इसकी टैंक की बात करें, ये भी मैट ब्लैक में मिल जा रही है टैंक की कैप। ये USB चार्जर मिल जा रही है। बात करें इसके डिस्प्ले की, इसमें ये मीटर का मिल जा रहा है, ये गियर का मिल जा रहा है, इसमें ये टाइम की है, इंटर लाइट, इंजन चेक लाइट, बैटरी की मिल जा रही है, और साथ ही में ABS की लाइट भी मिल जा रही है। हैंडल की बात करें इसके, हैंडल की ये सेल्फी मिल जा रही है, एक बाइक ऑन ऑफ करने की स्विच मिल जा रही है, ये ऑन का स्विच है, देखिए हॉर्न कितना मस्त बज रहा है। ये साइड लाइट की है, ये हेडलाइट की है, अब डिप की, ये पासिंग लाइट की है स्विच, देख सकते हैं इसकी लाइट। इसकी इंडिकेटर विदाउट LED में मिल जा रही है। बात करते हैं इंजन गार्ड की, ये आपको साइलेंसर के जस्ट नीचे मिल जा रही है, ये कीचड़ से बचाती है ये गार्ड। साथ में इसके बगल में इंजन में ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑयल फिल्टर। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बजाज की पल्सर P150 में किक सिस्टम अभी भी दे रहा है ये बाइक में। इस बाइक में मोनो साइलेंसर मिल जा रहा है, ये अच्छे मटेरियल से बनी सिंगल सीट मिल जा रही है, ये बाइक में सिंगल सीट मिल जा रही है। पीछे बाइक कॉल में P150 लिखी हुई है, स्टिकरिंग में ये मिल जा रही है। ये ग्रैब हैंडल है, देख सकते हैं ग्रैब हैंडल कितनी मस्त दी हुई है। ये रही LED में ब्रेक लाइट मिल जा रही है, ये देख सकते हैं कितने हाई प्रेशर में ये लाइट है। पीछे हाफ मेड गार्ड मिल जा रही है, नंबर प्लेट की स्टैंड मिल जा रही है, साथ ही में लेडीज फुटरेस्ट इसके साथ ही आती है ये बाइक में, देख सकते हैं। ये सिंगल डिस्क की बाइक है, फ्रंट में ड्रम वाली ब्रेक सिस्टम मिल जाएगी, ड्रम ब्रेक सिस्टम। ये अभी ये बाइक में, सारी बाइक में ट्यूबलेस टायर आ रही है, 90-17 की टायर मिल जाएगी। गियर की बात करते हैं, तो सिंगल गियर सिस्टम मिल जाएगी इस बाइक में, देख सकते हैं आप लोग। चैन कवर सिंगल ही मिलेगा ऊपर ही, बाकी बात पूरी चैन कवर नहीं मिलेगी इस बाइक में। ये इसका साइड पैनल पूरी कार्बन फाइबर से बनी हुई, इसका डिजाइन देख सकते हैं आप लोग। इसके इंजन की बात करें, तो ये 150cc का इंजन मिल जा रहा है सिंगल प्लग के साथ। ये इसका थ्रॉटल बॉडी रहा, ये थ्रॉटल बॉडी रहा। 15 लीटर की टंकी मिल जाएगी, 12 वोल्ट की USB चार्जर मिल जा रही है, आप चार्ज लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम सीट खोल के भी दिखा देते हैं अंदर क्या कुछ मिल जा रहा है। ये 5Z की बैटरी मिल जाएगी, ये सेल्फ रिले मिल जा रहा है, अंदर ही डाला हुआ है। BS6 की अपडेट करने वाली ये कोड रही, ये साथ ही में इसका हेडलाइट रिले भी है। ये याद रखिएगा कि अब बाइक में हेडलाइट रिले भी आ रहा है, ये तो लाइट कभी भी आपकी बंद हो जाए तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये रही साथ ही ये डाला हुआ है, साथ ही में ये फ्यूज मिल जा रही है, क्लियरली बता रहे हैं अभी। ये किल स्विच मिल जाएगी, इंजेक्टर पर्ग मिल जाएगा, लाइटिंग की स्विच मिल जाएगी, ST कॉइल की भी फ्यूज मिल जाएगी, साथ ही में पंप और रिले दोनों
का एक ही फ्यूज है, स्पीडोमीटर की भी फ्यूज है, ईसीयू मेन फ्यूज भी इसमें लगा हुआ है। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ये रहा इसका साइड स्टैंड का सेंसर। याद रखिएगा, कभी भी आपकी गाड़ी अगर साइड स्टैंड में स्टार्ट नहीं होगी तो याद रखिएगा ये सेंसर एक बार देख लीजिएगा। इसमें कई बार क्या होता है कि टूट के निकल जाता है ये, तो याद रखिएगा स्टैंड मारिएगा तभी गियर में ये गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी और चल पाएगी। इसमें 5 गियर मिल जाएगी। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो बाइक को अभी स्टार्ट करके नहीं दिखा सकते हैं, इतना पेट्रोल नहीं है इसमें। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसमें साथ ही में सिंगल हॉर्न अभी आ रही है ये बाइक में, देख सकते हैं।